उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनके 74 विधायक बनाए और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी और उसके बाद हमारे 3 विधायक मिलाने के बाद वो अभी 77 हो गए और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गए, बड़ी पार्टी बन गए। जो पार्टी देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, वो पार्टी कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा के सहयोग से 74 पहुंचे और 74 से 77 पहुंचे। और इसके लिए मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि आप बिहार के सबसे बड़े पार्टी आप बने हैं, इसके लिए बधाई देता हूं। और विशेष तौर पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो ना 3 में थे ना 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सनत मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहाँ तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था कि वो कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने, और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है, ये जानकारी उनको थे। तो इसलिए वो क्या डील हुआ, इतना झूठ फैलाने का आवश्यकता उनको नहीं था। उन्होंने तो विनर बन गया, 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया, तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देता हूं, हमारे विधायक जो गए उनको भी शुभकामना देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। एक दिन में 30 रुपये मैं कमाता था, महीने का 900 रुपये महीने का मैं कमाता था। और ये हम अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे रहने के लिए घर नहीं था, जहाँ पे अपने आप को फ्रेश होने के लिए जगह नहीं था, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ता था, ऐसी ज़िंदगी मैंने जिया है। फुटपाथ पे मैंने खाना खाया है, फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगी को बिताया है, और वहीं से हमने संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में भी अपने एक अच्छा मुकाम मैंने बनाया। और उसके बाद बिहार में मैं आया, अपने लोगों का हक अधिकार के लिए मैंने देखा कि हजारों समस्या है, जहाँ हजारों समस्या वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कि हमारे अपने लोगों के लिए बेहतर कुछ करे, और मैंने मुंबई के ऐशोराम की ज़िंदगी को छोड़कर बिहार में आया। आपने देखा कि कितना मैंने संघर्ष किया, कितनी मैंने लड़ाई लड़ा, लाठी डंडा खाया, 7 दिन तक अनशन पे बैठा, जितना मुझे मेहनत करना था मैंने किया। और मेहनत करने के बाद 2020 में अच्छी तरीके से एक मुकाम मिला, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम करने का मौका मिला। और लोगों को ये हजम नहीं हुआ कि उन देखे कि ये व्यक्ति संघर्ष के दम पर जब हमें 11 सीट देने पर मजबूर कर सकता है, तो ये लड़का आने वाले समय में बहुत मेहनत करेगा और शायद 11 सीट पे इनकी समझौता नहीं होगा, शायद 100 पे समझौता हो। तो उन्होंने ये देखा कि इसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने रोकने का काम किया है। और हम तो कुछ भी हाथ में नहीं था, 0 में था, संघर्ष करना मैंने सीखा और संघर्ष के बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूँ, जितने उनकी संख्या है उतने में उनको आरक्षण दिलाना चाहता हूँ, मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं कर्पूरी ठाकुर जी का सपना पूरा करना चाहता हूँ, क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं चाह रहा हूँ कि देश में जातिगत जनगणना हो, उसके लिए मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? तो मैं हर चीज़ में मुखर के अपनी बात को रखता था, मैं अपने काम को कर रहा था। लेकिन लोगों को लगा कि ये बड़ा हीरो हो जाएगा, काम करेंगे। कल ही हमने बेतिया में करबरा सरैया मन है 348 एकड़ का, जो 20 साल से विभाग प्रयास कर रहा था
कि ये विभाग में ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन मैंने कल ही कैबिनेट से पास कराया और विभाग में हमने ट्रांसफ़र किया। वो मन में झील में कम से कम 10,000 परिवार का घर गुजर बसर हो सकता है, खास करके मछुआरा भाई का। तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। आज बिहार में 32,000 तालाब है, जिसमें से 15,000 तालाब से अधिक तालाब पे कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है। मैं उसके लिए प्रयास हूँ, अलग से टीम बना के उसको मैं चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त कराऊँ। तो लोगों को लगता है कि ये काम करने के बाद कहीं ना कहीं इस समुदाय में हीरो बन जाएंगे, तो इसलिए लोगों ने रोकने का काम किया है और मैं मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो बचपन से ही संघर्ष है, जो आज हुआ है ऐसी बात नहीं था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे सब पता था कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी बना के रखूं कि जिनको मैं बोलूं कि उठो तो उठेंगे, बोलूंगा बैठो तो बैठेंगे। तो ये पहले हुआ करता था किसी कालखंड में, समाज में कुछ ऐसे नेता था जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो ऐसे करते थे कि किसी के कहने पे सुनने पर उठते थे और बैठते थे। लेकिन आज मुझे भरोसा है कि बिहार ही नहीं, देश में लाखों करोड़ों निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा आज सनब मल्ला को जानने लगा। अब मैं भी इसलिए मैं कहता हूँ गर्व से कि मैं सनब मल्ला हूँ, पूरे देश में निषाद का बेटा हूँ, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। आखिरी सांस तक मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहूँगा। आप सबको पता है कि अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद ये नहीं होता। आज हमने बोछा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आप सबको पता है कि गठबंधन में वो सीट हमारा था। जब सीट अगर हमारे स्वर्गीय विधायक जी का निधन हुआ तो निश्चित तौर पर वो सीट खाली हुआ और उसका पहला अधिकार वीआईपी का होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने मन से अपने प्रत्याशी का नाम का घोषणा कर दिया और आपने देखा कि 4 महीना उनके पार्टी के लोग किस तरीके से बेइज्जत करते रहे, उनके सांसद किस तरीके से अभद्र बात करते रहे, मैं सुनते रहा क्योंकि मुझे वहाँ पर चुनाव लड़ना था। आज हमें लोग टारगेट कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ें, देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर विरोध किए। तो भैया आप बताइए, मेरा जो हक अधिकार है वो मैं किससे मांगूंगा? मैं अमेरिका में जाके मांगूं या मैं राहुल गांधी जी से मांगूं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी उनके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरे 140 करोड़ देश की जनता का प्रधानमंत्री है और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और हम अपने प्रधानमंत्री से अगर जो हमने सोचा था जो हमारे समाज का हक अधिकार है वो हम उनसे नहीं मांगे तो किनसे मांगे? आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं मिल रहा है, तो ये सवाल मैं किनसे करूंगा? आज उनसे मैं मांगने का काम किया तो उनको लगता है कि ये गलत किया। आज उत्तर प्रदेश में तो जेडीयू भी चुनाव लड़े, लेकिन उनके सामने में तो आपने कुछ नहीं बात रखा, लेकिन मुकेश सहनी को आपने टारगेट किया, मुकेश सहनी को आपने कमजोर करने का कोशिश किया है। तो खैर, आपका जो निर्णय था आपने लिया है। अभी हमें बिहार में बिहार के जनता के लिए, लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है। मैं काम करते रहूंगा और आगे बढ़ते रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। हाँ, कंधे से कंधे मिला के चल सकता हूँ। अगर 4 बात अगर आपका मानता हूँ तो 4 बात आपको हमारा भी मानना पड़ेगा। अगर आप अगर कहेंगे कि मैं सहनशाह हूँ तो मैं इस दुनिया में, इस धरती पर किसी को सहनशाह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप चाहे वो जो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं वो सब चीज़ करने के लिए। आगे बढ़े, आगे मंत्री पद पर करार रहेगा या फिर इस्तीफा देंगे आप? देखिए, मंत्री बिहार में बनाने में काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे, इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। देखिए, हमारे विधायक कही गए, यही स्पष्ट हो रहा है, विधायक भी यही बोल रहे हैं। तो वो गए क्योंकि हमें तो अपने समाज के गरीब लोगों की हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए काम करना। अगर मैं कल मंत्री नहीं रहता तो 348 एकड़ का जलकर आजकल हमारे विभाग में ट्रांसफर नहीं होता, कल ही कैबिनेट हुआ है, तो आज उससे 10,000 परिवार का घर चलेगा। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ जिसमें हमारे समाज का कोई ब्रेक हो। बाकी रहा कि जो लोग, कुछ लोग तो सोचते ही हैं इनको हटाएंगे, कुछ लोग तो चाहते हैं इसको रास्ते से हटाएंगे, तो वो लोग तो काम करने दीजिए, कुछ काम तो उनको भी छोड़ दीजिए ना।
हमको जो काम है उनको हमको करने दीजिए, कुछ काम उनके ऊपर छोड़ देते ना कि वो क्या करते हैं। मंत्री जी, डील हुई थी आपकी कि दिल्ली में 6 महीने के बाद जब सरकार बनेगी तो आप विलय करेंगे। यही बात हमने पहले कहा ना कि बंद कमरे में दो ही लोग थे, गृह मंत्री जी थे और मैं था। उस बीच में जो भी डील हुआ दो ही लोगों को पता है, और बिहार के कोई भी नेता गेट तक भी जाने का उनका ये नहीं था कि कान लगा के सुनेंगे। तो ये बात को स्पष्ट माननीय गृह मंत्री जी कर देंगे तो ये बात को मैं भी सत्य मान लूंगा। इस बात को गृह मंत्री जी को जिस तरीके से संजय जायसवाल जी बोले हैं या अन्य नेता बोल रहे हैं, वही बात को गृह मंत्री जी अगर सामने आके मीडिया के सामने बोल देंगे तो इस बात को 100% सच मान लूंगा और इसके आगे एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। देखिए, हमारे साथ पूरे बिहार के जनता है और हमारे अपने लोग हैं और निश्चित तौर पर सबका सिंपति हमारे साथ है। क्या आप हमारे साथ नहीं है? आप भी हमारे साथ हैं, इसलिए आपने एक गरीब पिछड़ा का बेटा को आवाज़ को पूरी दुनिया में सुनाने के लिए आप आए हैं, तो आप भी मेरे साथ हैं। वही है, कुछ लोग सामने से होंगे, कुछ लोग पीछे से होंगे, कुछ लोग घर पे से होंगे, कुछ लोग दिल में रखेंगे, यही होगा। बीजेपी के लगभग नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? बीजेपी का नेता को नैतिकता के आधार पर हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके मुँह से शोभा नहीं देता है। जो व्यक्ति बिहार में सबसे बड़ा पार्टी किसी को छीन कर बनना चाहता हो, वो व्यक्ति को ये बोलने का शोभा नहीं देता है। दो महीने बाद आप एमएलसी नहीं रहे, उसके बाद भी आप 6 महीने मंत्री रह सकते हैं, क्या जदयू और राजद की तरफ से कोई भरोसा दिलाया गया है? देखिए, राजनीति है, राजनीति में हम काम करना जानते हैं और आगे का रास्ता भी बनाना जानते हैं। आगे का रास्ता क्या होगा वो आप लोगों से छिपेगा नहीं। हम आगे काम करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे वो 1 साल में हम अपने संघर्ष को पूरा कर ले, 2 साल में कर ले या 13 साल में कर ले, हम अपने संघर्ष के रास्ते पर रहेंगे, संघर्ष करेंगे। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं किया। उत्तर प्रदेश जाके उत्तर प्रदेश में हम अपने समाज को लाखों लोगों का भरोसा मैंने जीता है। हमारे जो एजेंडा है, मुद्दा है, उसको साथ में खड़ा हूँ और उसके लिए अगर जो भी मुझे कुर्बानी देना पड़े उसके लिए मैं कोई अफसोस नहीं है। देखिए, एक गरीब पिछड़ा का बेटा को लोग पीठ में छुरा भोंके या सीने में खंजर भोंके, जिनको जो भोंकना है वो भोंकते रहे। हम हमारे आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। संजय जायसवाल का ये कहना है कि बोचहा में जो आपकी डील हुई थी उस समय 11 सीटों की, उसमें बेबी कुमारी को आप टिकट देने वाले थे, लेकिन रातों रात आपने फैसला बदला और भाजपा उसी का बदला अभी ले रही है। संजय जायसवाल ने कल ये बात कही, ठीक है ना, हमने कहा ना कि जो भी डील हुआ वो माननीय गृह मंत्री जी को आके बोलना चाहिए। डील क्या हुआ वो मुझे पता है, वो डील को अगर मैं इस जगह सार्वजनिक कर दूंगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वो डील को हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। हम अपने रास्ते चलेंगे और उनको लगता है कि ऐसा डील हुआ तो वो सामने से गृह मंत्री जी भी बीच में थे, वो उनको आगे बोलना चाहिए। ये सही टूटे हैं या मजबूत हुए? आप लोग के इधर से भी कुछ आपका मैडम सवाल बोला। अरे, हम लोग तो पंगा लेने वाले ही लोग हैं, उस कुल खानदान से आते हैं कि हमारे लोग हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए और हम अपने नैया को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ने वाले। रहा कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं किसी से भी, आपने हमारे फूलन देवी को आपने देख सुना होगा उनके बारे में, एक छत्र चंबल में उनका ताकत था, लोगों ने किस तरीके से उसको साइड किया, किस तरीके से अत्याचार किया, तो ये हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे होते रहा है और मैं अपने वजूद से कभी समझौता नहीं किया।